दिस इज विश्व मोहन कुमार, लोकसभा एमपी इलेक्टेड फ्रॉम सुपौल इन बिहार एज मेंबर ऑफ जनता दल यूनाइटेड पार्टी। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय अ ब्रोकर दैट दिस एमपी विल सर्टनली हेल्प विद अ रिकमेंडेशन लेटर इन एक्सचेंज फॉर कैश। सो द रिपोर्टर मीट्स हिम एंड स्टेट्स हिज पर्पस। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट निकाला है कि तेल कहाँ कहाँ पर है, तो उसको खोजने के लिए कंपनी से मांगे प्रोजेक्ट, तो मेडिटेरियन ऑयलिंग करके कंपनी लिखे हुए सर। प्रोजेक्ट के सर प्रोफाइल बनाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए मुझे। हमारे यहाँ बिहार में भी कुछ तो रख लिया था सर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट का ही था हिमाचल एरिया में पता है ना। So far, so good. It was imperative that the reporter informs the MP that an arrangement of 50,000 rupees has been made with the broker in return for this favor when it can actually be done for free. अभी सर किसी ने फ्री में लिख दिया सर जी, फ्री में हम लोग भी लिखते हैं लेकिन हमें कहते हैं सर पर है भारी जी, अगर अगर रैली है रैली को बहुत जाए ठीक सर, अभी लिख के देंगे सर जी, अभी बगल कर लेंगे जी ठीक है जी। It is with alarming clarity that Vishwa Mohan Kumar admits to the Cobra Post reporter that he would have given him the letter for free if it had not been for the pressures of a certain rally. In his words, free mein hum log bhi likhte hain lekin abhi sir par bhari hai, 15 ko rally hai, rally ka bojh hai. There seems to be so much pressure that he would even endorse a foreign company to set up shop in India without background checks. We can only hope that the pressing needs of Vishwa Mohan Kumar's rally are not exploited by anti-national elements.